नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ अक्षय। आज हम बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे हालात अब सामान्य होते जा रहे हैं। शांति कायम रखने के लिए केंद्र सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। घाटी में कई इलाकों में स्कूल, कॉलेज और बाजार खुले और लोगों ने ईद के मद्देनजर खरीदारी भी की। इस बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि हम ईद को लेकर विशेष तैयारियां कर रहे हैं। इस मौके पर स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे हर्षोल्लास के साथ त्यौहार को मनाया जा सके। उधर NSA अजीत डोभाल कश्मीर में लगातार आतंकवाद प्रभावित इलाकों में जाकर आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें बेहतर भविष्य का आश्वासन दे रहे हैं। शोपिया के बाद आज उन्होंने अनंतनाग का दौरा किया। वो घाटी में रह रहे लोगों के बीच केंद्र सरकार के इस फैसले के प्रति भरोसा जगाने का काम कर रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान को एक और झटका लगा। अमेरिका के बाद अब रूस ने भी कश्मीर मामले पर पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। बाकी दिनों से अलग शनिवार को कश्मीर घाटी में सड़कों पर हलचल ज्यादा रही। सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम तो रहे, लेकिन स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। यही कारण है कि कई जगहों पर कर्फ्यू में ढील मिलने से लोग सड़कों पर उतरे। बाजारों में रौनक और चेहरों पर मुस्कान दिखी, जो साफ बता रही है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। कुछ इलाकों में प्रशासन ने स्कूलों को खोलने के आदेश दिए, तो कई जगहों पर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बाजार भी खुले। बकरीद को देखते हुए PM मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी कश्मीरी को परेशानी ना हो। सब लोग ईद की अच्छी तैयारियों में लगे हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा जो सुविधाएं लोगों को दी जा सकती हैं उसका प्रबंध कर रहे हैं। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले हैं, तो बिला खौफ और बहुत अच्छे माहौल में शांतिपूर्वक ईद मनाएं। आज भी कुछ और कोशिश कर रहे हैं, कुछ ढील दें और जो लोग निकले उनको कोई कठिनाई नहीं होने देंगे और कल और ज्यादा ढील देंगे। 4-5 दिन से घर में ही थे, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं थी, पर फिर भी इंसान जब तक काम नहीं करेगा तब तक कोई हल नहीं होगा। दुकान खोली, अच्छा लग रहा है। मार्केट खोली है, आने जाने में भी अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों बाद दुकान खोल रहे हैं और आने वाला टाइम जो होगा वो बड़ा अच्छा होगा। 70 साल के बाद हमें कश्मीरी लीडरशिप से हमें मुक्ति मिली, इसलिए मोदी की काबिलियत तारीफ है। जो लोग कहते थे 56 इंच का सीना, और मोदी जी ने 56 इंच का सीना दिखाया है। वैसे राज्य में संवेदनशील इलाकों में अभी भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, धारा 144 भी लागू है। दूसरी तरफ कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्टर कार्ड माने जा रहे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का ग्राउंड मैनेजमेंट जारी है। लगातार तीसरे दिन वे कश्मीर के लोगों से मिलते हुए और उनसे बात करते हुए देखे गए। अनंतनाग से उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। अजीत डोभाल ने बच्चों और बड़ों से मुलाकात की और स्थानीय लोगों से वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। वे घाटी में रह रहे लोगों के बीच केंद्र सरकार के फैसले के प्रति भरोसा जगा रहे हैं। अभी जम्मू का रीजन भी एडवांस करेगा, कश्मीर भी एडवांस करेगा और लद्दाख में और कारगिल को, जिसको कम्प्लीटली जम्मू को स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दी जा रही थी, वो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट नहीं रहेगी। उन्होंने कहा गुड गवर्नेंस वहाँ लगाई जाएगी, ऐसे लोग पोस्ट किए जाएंगे जो पीपल सेंसिटिव हो, लोगों की शिकायतें सुनेंगे और उनके ऊपर तुरंत अमल करेंगे। हेल्थ केयर इम्प्रूव होगा, एजुकेशन इम्प्रूव होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा और हमारी कोशिश होगी कि कश्मीर को स्विट्जरलैंड से भी बेहतर बनाया जाए। इस बीच गृह मंत्रालय ने विदेशी मीडिया में चल रही इन खबरों को सिरे से खारिज किया कि श्रीनगर में अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी राइटर्स ने एक रिपोर्ट में कहा था कि शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन में 10,000 लोग शामिल हुए थे। गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि ऐसी खबरें निराधार, मनगढ़ंत और झूठ हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक कुछ छिटपुट प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन इनमें 20 से ज्यादा लोग नहीं थे। उधर जम्मू कश्मीर पर भारत के फैसले का रूस ने समर्थन किया है।
रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के दो भागों में विभाजित और केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला संविधान के अनुसार लिया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि जम्मू कश्मीर राज्य पर दिल्ली द्वारा लिए गए फैसले पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में वृद्धि नहीं होगी। वहीं चीन ने भी भारत और पाकिस्तान से अपने विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत करने का आग्रह किया। चीन की ये प्रतिक्रिया पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के चीन से परामर्श के लिए पहुंचने के बाद शुक्रवार को आई। वैसे जम्मू कश्मीर को लेकर भारत की तरफ से लिए गए फैसले से पाकिस्तान इस कदर हताश है कि वो भारत को आर्थिक और सामरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने की चाह में एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहा है जिससे वो खुद बर्बाद हो रहा है। पाकिस्तान के इमरान सरकार ने पहले समझौता एक्सप्रेस और फिर थार एक्सप्रेस को रद्द किया और उसके बाद दिल्ली लाहौर बस सेवा को भी स्थगित कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए भारत से कारोबार बंद करना बेहद महंगा पड़ रहा है। भारत से निर्यात किए जाने वाले सामानों पर पूरी तरह रोक लगाए जाने के बाद पाकिस्तान में टमाटरों के दामों में आग लग गई है और कीमत 300 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। टमाटर के दामों में अचानक इजाफे से पाकिस्तान के लोग सकते में हैं, बावजूद इसके पाकिस्तान है कि मानता नहीं। अब उसने अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की साजिश भी शुरू कर दी है। खुफिया सूत्रों से मिली खबर के अनुसार इस्लामाबाद ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके और जम्मू कश्मीर से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तत्काल दर्जन भर आतंकी शिविरों को फिर से सक्रिय कर दिया है। पीओके क्षेत्र के कोटली, रावलकोट, बाघ और मुजफ्फराबाद में आतंकी शिविर प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तानी सेना के सहयोग से दोबारा सक्रिय हो गए हैं, जिसे देखते हुए भारतीय सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। या तो जम्मू कश्मीर में अब हालात धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं। शांति कायम रखने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है। इस बीच राज्यपाल ने भी स्पष्ट कर दिया कि त्यौहार में किसी तरह का कोई खलल न पड़े, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रियायत पहुंचे, इस बात को लेकर प्रयास भी किए जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की बौखलाहट लगातार जारी है और विदेशी मीडिया की तरफ से जिस तरह से दुष्प्रचार भी किया जा रहा है उसके बाद भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से इस वक्त तीन खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विपिन शर्मा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और सरकार का पक्ष रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी से। संजय सिंह जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल और अब से कुछ देर बाद कुछ और मेहमान भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत में डॉक्टर कौशिक आपसे ही करूंगा। जम्मू कश्मीर में रौनक तो अब धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन जिस तरह से प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं उससे कितना भरोसा बढ़ा है कि स्थितियाँ जल्द सामान्य हो पाएंगी? देखो, भरोसा तो वास्तव में बड़ा है लोगों का और जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सरकार को उस पर ध्यान देना होगा। आज छिटपुट घटनाएं वहां हुई हैं, छोटा 10-10, 20-20 लोगों की टुकड़ियों में वहां प्रदर्शन हुआ है। दूसरा, मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को वहां भी ध्यान देना है, जैसे जहां जहां यूनिवर्सिटीज में लोग बच्चे उनके पढ़ रहे हैं वो भी मीडिया में बड़ा दुष्प्रचार कर रहे हैं। वो इस तरीके का बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से उनके पिता को, भाइयों को, बहनों को, माताओं को बंधक वहां बना लिया है, वो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और सारा आरोप वो मोदी सरकार पर लगा रहे हैं। और एक आध तो पीडीपी की एक महिला नेत्री ने यह भी कहा कि जब 144 कर्फ्यू हटेगा तो हो सकता है कि वहां दंगे भी भड़के, क्योंकि हम लोगों को जिस तरीके से बंधक बनाया गया है वो आग हमारे दिलों में लगी हुई है और जब कर्फ्यू 144 की धारा हटेगी तब वो आग बाहर निकल के आएगी। तो सरकार को बड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। वैसे तो वास्तविक रूप से वहां सारी खुफिया विभागों के जो हेड है वो जम्मू कश्मीर में डेरा डाले हुए हैं, स्वयं डोभाल जी भी डेरा डाले हुए हैं, लेकिन इस तरीके की छुटपुट घटनाएं निश्चित तौर से वहां होनी है। इस पर सरकार को बड़ा पैनी नजर रखनी होगी और ऐसे तत्वों को चिन्हित तो कर लिया है, लेकिन उन पर ऐसी सख्ती से कार्रवाई समय रहते हुए होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक ये बड़ा अच्छा संदेश जा रहा है पूरे देश में और विदेश में कि इतना बड़ा एक्शन लेने के बावजूद भी कोई छोटी सी भी दुर्घटना पूरे देश में नहीं घटी। इसी यदि ये सरकार इसको आगे कायम करने में कामयाब रहती है तो वास्तव में बहुत अच्छा होगा और एक नया संदेश जाएगा। प्रयास तो किए ही जा रहे हैं और जिस तरह से 5 दिन बाद तकरीबन अब तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर रौनक पहले की अपेक्षा काफी देखने को मिल रही है। कई जगहों से धारा 144 भी हटाई गई और कई जगह से हटाने की तैयारी भी की जा रही है और जानकारी ये भी मिल रही है कि शायद मोबाइल सेवाओं को सुचारू भी किया जाए आज से ही। लेकिन जी, मैं बता दूं कि जहां जहां जो वीडियो निकल के आ रहे हैं वो बाकायदा प्रशासन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, लोगों को लाकर के वहां चहल पहल कराई जा रही है।
जैसे डोभाल जी का पहले आपने वीडियो देखा होगा खाने खाते हुए, लेकिन आप पूरे वीडियो पे गौर करेंगे तो चारों तरफ शटर लगे हुए हैं, दुकानें चारों तरफ से बंद है। दूसरा वीडियो सैनिकों से आया, आज आज निकल के तो दिख रहा है, वो तो धारा 144 लागू है ना वहाँ? नहीं, 144 लागू है, लेकिन जिन लोग 144 में भी तो आप 10 लोग खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था है कि प्रशासन उनको प्रायोजित, और ये अच्छा है, इसके माध्यम से संदेश जाना भी चाहिए। लेकिन अब हम मीडिया की नजर से देखें तो वास्तव में प्रशासन द्वारा प्रायोजित ऐसे छोटे छोटे व्यवस्थाएं वहां की जा रही है जिससे लोगों को एहसास हो, विश्वास पड़े कि हाँ वास्तव में रौनक लौट रही है। लेकिन ईमानदारी से वो लोग अभी दहशत में है, वहां के लोग, और इसलिए दहशत में है कि इतनी बड़ी तादाद में वहां फोर्स लगा हुआ है, या छोटा सा भी कहीं से एक्शन हुआ या कोई कुछ भी कहीं से दुर्घटना घटी तो हो सकता है कि कोई बड़ी दुर्घटना प्रशासन की तरफ से या आर्मी की तरफ से जो भय बना हुआ है। एहतियात की बात कर रहे हैं कि सरकार एहतियात तो बरत रही है, और आशंका इस बात को लेकर पहले ही जाहिर की जा रही थी कि इतना बड़ा फैसला अगर होगा तो माहौल को बिगाड़ने की कोशिशें भी होंगी, उस पर काबू करना भी सरकार की जिम्मेदारी होगा। लेकिन जो तैयारी वहां पर देखने को मिल रही है, उस तैयारी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, तैयारी जो है प्रशासन की तरफ से और सरकार ने जिस तरह से करी है वो बिल्कुल पुख्ता है, क्योंकि देखिए आप कि पहली बारी ऐसा देखा है कि आपने एक पॉलिटिकल इच्छा शक्ति है जो सामने उभर के आई है। इतने सालों से हम क्या देखते आए हैं, फौज वही है, वही उनका मनोबल है, लेकिन जो तालमेल था और जो डिसीजन मेकिंग पावर थी, एबिलिटी थी, उसकी जो है कमी थी, और उस कमी, उस अभाव के कारण ये जो है जिस तरह से इस जम्मू एंड कश्मीर को एक विकास की गति पकड़नी चाहिए थी उससे वो वंचित रह गया, और फलस्वरूप ये हुआ कि जो युवा जो तरक्की करते, जो देश का नाम रोशन करते, उन्होंने हाथों में, उनके हाथों में पत्थर थमा दिए गए, और पथराव करने की उनको बात बोली गई, उनको शह दी गई, और जो शह दे रहे थे वो तो मौज की जिंदगी जी रहे थे, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे यहाँ के लोगों, जो जहर उगलते हैं, जो खिलाफत, जो वकालत करते आए हैं 370 और 35 ए की। अब इसमें देखिए जो जरूरी बात है, जो समझने की जरूरत है, वो ये है कि आतंकवादियों को पना देने वाला जो पाकिस्तान है, ये जो उसपे जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है ये बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक सरकार ने करी, फौज ने करी हमारे, तो देखिए उसका बहुत असर पड़ा, लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक का उनको अंदाज भी था नहीं कि जिस तरह से हम लोग एफर्टलेसली उसको कहेंगे, सरकार ने फैसला लिया फौज के साथ तालमेल रखकर, और इन्होंने 370 और 35 ए को हटा दिया। देखिए, और जो जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि भाई घाटी में काफी जो है ऐसे घटनाएं होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोगों को समझ है, लोगों को कौन फर्क किसको पड़ना था, एक आम आदमी को, और आम आदमी भली भांति जानता है कि इतने सालों से उसने किसी तरह की तरक्की नहीं करी, जिस तरह से यहां पर उद्योग आने चाहिए थे, जो एक रोजगार के नए नए उनको मिलने चाहिए थे, उस तरह से वो वंचित रह गए और वो पीछे रह गए। और उसमें सबसे बड़ी बात आप देखिए कि हम लोग बात करते हैं एक तरफ से कि कश्मीरियों को आप दिल जीतिए, और ये बात पहले चली थी कि आप फौज को कम करेंगे तो उससे एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन आप अगर इसको पॉजिटिव अप्रोच में देखेंगे तो अजीत डोभाल का जो जिस तरह से उन्होंने प्रयास करा और कि उन्होंने दिखाया कि आपस में घुल मिल रहे हैं, तो ये इसको एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से आप देखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसका कारण ये है कि आज तक क्या जो विपक्षी जो इसकी वकालत करते आए 370, क्या उनके पास कोई लॉजिक है? तो कोई एक लॉजिक बता दें कि किस जो स्पेशल प्रोविजन से क्या जम्मू एंड कश्मीर का फायदा हुआ, कश्मीर का खासकर क्या कोई फायदा हुआ? नहीं, ये तो प्रधानमंत्री की तरफ से संबोधन में भी स्पष्ट कर दिया गया कि इस फैसले के पीछे मकसद क्या है। सबसे अहमियत बात देखिए कि ये इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग बाहर जाते हैं विदेशी दौरे पे, मैं गया स्विट्जरलैंड, यूरोप के टूर पे गया, देखा तब लगा कि हमें बचपन से ये इस चीज का ज्ञान था कि जो है धरती का स्वर कश्मीर को कहते हैं। स्विट्जरलैंड तो बाहर की बात है, हम मेक इन इंडिया के दौर में जीते हैं, डिजिटल इंडिया के दौर में जीते हैं, स्किल इंडिया की बात करते हैं, रिफॉर्म्स की नए बात करते हैं, तो हम इसको क्यों ना प्रमोट करें? अगर ये कश्मीर का विकास होता है तो उसका जीडीपी भी डायरेक्ट इफेक्ट आएगा। ये तमाम चीजों का विवरण तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में दिया है, तो ये धीरे धीरे होगा, जादू की छड़ी तो हाथ में नहीं है। लेकिन अब जन्नत के लोग भी, संजय सिंह जी, जन्नत के लोग भी, हम श्रीनगर के लोगों का जिक्र कर रहे हैं कि जम्मू में तो रौनक अब धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन श्रीनगर के लोग भी पूछ रहे हैं कि यहाँ पर रौनक कब तक लौटेगी? देखिए, घाव बहुत गंभीर है, पुराना घाव है, अभी उसका ऑपरेशन हुआ है तो दर्द खत्म होने में वक्त तो लगेगा। रही बात सरकार के नीतियों की, आप इस बात को स्पष्ट मान के चले कि सरकार जितने जिम्मेदारी और ईमानदारी से अपने नीतियों को ला सकती है वहां पर लाई है। जितने सुरक्षा के मापक हो सकते हैं उसमें सरकार ने कहीं कोशिश नहीं की है कि कोई खोट भी रह जाए। तरीके से हिसाब के अनुसार वहां के जितने उग्रवादी आतंकवादी थे, जो जेल के अंदर बंद थे, जो कहीं ना कहीं से इफेक्ट डालते थे, उन सबको आगरा शिफ्ट कर दिया।
वहाँ जो बड़े बड़े लीडर थे जो जो अपने भाषणों से उग्र करते थे लोगों को, दरअसल क्या है ना कि गरीब बना के रखा गया और उस गरीबी की वजह से 500,000 रुपए में भी लोग पत्थर फेंकने को वहां के बच्चे तैयार हो जाते थे और 10,000-20,000 रुपए में तो आतंकवादी बन के जान गंवाने को तैयार हो जाते थे। ज्ञान का अभाव, वहां के आमदनी का अभाव, इकोनॉमिक ग्रोथ जीरो क्या निगेटिव में हो जाना, ये सब परिस्थितियों का निर्माण करती थी आतंकवादियों को, आतंकवादियों को आतंकवादी बनने में, वहां के लोगों को आतंकवाद की ओर झुकने में। सरकार ने इन तमाम चीजों पर लगाम लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए एक एक करके स्टेप्स लिया है। जम्मू पहले से ही एक नॉर्मल स्थिति में आ गया है और वहां पर सरकार इस बात को लेकर दृढ़ निश्चय है कि वहां शायद बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। घाटी के जो 6 जिले हैं, उस 6 जिले में सरकार ने पूरा कंसंट्रेशन कर रखा है और जिस हिसाब से धीरे धीरे उनको छूट दिया जा रहा है, मतलब वहां पे जो 144 लगा हुआ है उसमें थोड़ी थोड़ा रिलीफ दी जा रही है, तो उसकी वजह से क्या है कि वो देखने को, जैसे कल बहुत सारे लोग आए थे वहां पे नमाज अदा करने के लिए। और जहां तक रही पाकिस्तान की बात, अभी शर्मा जी ठीक कह रहे थे, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, उसे ये भी मालूम है कि अब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक मोदी नहीं करने वाला, अब मोदी सीधे सीधे स्ट्राइक करने वाला अगर पाकिस्तान कुछ किया तो। और विश्व की जितनी भी कंट्री है, संजय सिंह जी जो बयान आप दे रहे हैं, सरकार की तैयारी है पूरी तरह से, अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमाकत होती है तो भारत पूरी तरह से तैयार है। 100% सरकार ने अपनी जुबान से बोला है, सरकार हर प्लेटफॉर्म पर बोल रही है। चले पाकिस्तान का तो जिक्र हम करेंगे क्योंकि पाकिस्तान की बौखलाहट जिस तरह से देखने को मिल रही है, लेकिन हम पहले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं जहां पर शांति बहाली की प्रयास हम बार बार कर रहे हैं कि प्रयास हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से NSA अजीत डोभाल वहां पर हीलिंग टच दे रहे हैं, अभी कौशिक साहब ने कहा कि दुकानें आसपास बंद है, शटर गिरे हुए हैं, ये कुछ खास लोग हैं, कुछ गुलाम नबी आजाद साहब की तरफ से कहा गया कि ये पैसे से बुलाए गए लोग हैं, इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, तो क्या इसको एक मैसेज के तौर पर देखा जाए कि वहां की आवाम के माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, भले ही चंद लोग हों इन मुलाकातों में? देखिए सच्चाई है, डोभाल जी अपने पूरे कार्य जिम्मेदारी के साथ लगे हुए हैं, जब ये आतंकवादी ये मैसेज दे सकते हैं कि हमारे जनता जो झूठ फैला सकते हैं, अफवाह फैला सकते हैं, तो भारत सरकार की अगर यही नीति हम मान लेते हैं जो कौशिक साहब कह रहे हैं, अगर हम उसी नीति को मान लेते हैं तो पूरे विश्व पटल पे आज पूरा विश्व कश्मीर को देख रहा है और पाकिस्तान को। मैं आज एक सच्चाई बताना चाहूं कि पूरा विश्व इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं भारत और पाकिस्तान का युद्ध ना हो जाए, और युद्ध होने से सिर्फ दो देश का नुकसान नहीं होता, पूरे विश्व में कुछ न कुछ असर पड़ता है उसका। जहां तक रही बात पाकिस्तान की, आज पाकिस्तान अपने आर्थिक नीति के कारण से, आज पाकिस्तान अपने आंतरिक नीति के कारण से कहीं से भी किसी भी तरीके से सक्षम नहीं है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई छेड़ दे। हाँ नहीं, लेकिन उसकी जो फितरत रही है उस पर भी जरूर बात करेंगे कि जो जानकारियां मिल रही हैं कि तकरीबन 150 की संख्या में POK में आतंकी मौजूद हैं जो एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं। लेकिन विपिन शर्मा जी, जिस तरह से विदेशी मीडिया कश्मीर को लेकर दुष्प्रचार कर रहा है, इस प्रोपेगेंडा के पीछे मकसद क्या हो सकता है? देखिए मकसद साफ सा है कि इस तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट हमेशा रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जिस तरह से आप ट्विटर पे भी देख रहे हैं, जिस तरह से दुष्प्रचार हो रहा है, बड़े दुख की बात है। देखिए क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी जो हमेशा रही है कि लिव एंड लेट लिव, तो हमेशा आप किसी में दखल अंदाजी नहीं करते, इसलिए हम NAM के सदस्य बने। और जब रूस और अमेरिका की आपस में तनाव बढ़े थे तो हमने अपने स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया था, डिप्लोमेटिक स्टैंड हमारा बिल्कुल क्लियर था। और इसमें भी आप देखें जो ये पाकिस्तान के साथ हमने ये सर्जिकल स्ट्राइक करी है और कश्मीर को हमने एक्चुअली में इंटीग्रेट करा है, उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने की एक कवायद शुरू कर दी है, तो उसमें रूस ने भारत का समर्थन करा है। तो ये दुष्प्रचार तो हमेशा चलता आया है। अभी आप देखें, मैं पहले तो साफ कर दूं कि लिंचिंग के जो भी मामले आते हैं वो उसकी कठोर शब्दों में निंदा होनी चाहिए, लेकिन लिंचिंग के अगर चंद, ये तो हर जगह होते हैं। हम हिंदुस्तानी बच्चे जब बाहर जाते हैं पढ़ने, अमेरिका में जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, तो कई तरह के रेसिस्ट अटैक्स होते हैं, तो क्या हम उनको बोले कि ये रेसिस्ट नेशंस हैं?
तो उस तरह से नहीं बन जाते। तो अभी दुष्प्रचार की वजह से ही हिंदुस्तान को लिंचिस्तान बोला गया, जो कि बड़े दुख की बात है, ये हमें बिल्कुल कदाचित कबूल नहीं है। लेकिन इस तरह के आप झूठे उसमें तस्वीरें दिखाएं कि लोगों में बड़ा आक्रोश है, नहीं वही तो आप कह रहे हैं कि हालांकि इसका खंडन भी बात पे आ रहा हूं, उसका खंडन भी कर दिया गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से। लेकिन सवाल तो ये है कि जो प्रोपेगेंडा की हम बात पूरा कर रहा हूं कि आप उनको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में बड़ा आक्रोश है, उनकी आवाजों को कुचला जा रहा है, उनको उनकी आवाजें बंद कर दी गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, क्योंकि आज तक जो मैं इसमें उदाहरण दूंगा वो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी की, बर्लिन वॉल का इतने सालों बाद उसको तोड़ा गया। इसी तरह से जो आप कश्मीर एक कश्मीरी में और बाकी के हिंदुस्तान के पोर्शन में जितने लोगों में बीच में दरारें जोड़ने की कोशिश करी इन्होंने और दीवारें रखी थी, वो दीवार टूट चुकी है हमेशा के लिए। और जिस तरह से 370 और 35 एक इनको इन्होंने खत्म करा है, उससे इनमें आपस में प्यार बढ़ेगा, सद्भावना बढ़ेगी और एक नए युग का आगाज शुरू होगा। ये मैसेज तो सरकार की तरफ से स्पष्ट दिया गया है कि कश्मीर को लेकर एक नए युग की शुरुआत के तौर पर न्यू कश्मीर की बात हो रही है, लेकिन अफवाहों को भी तो दरकिनार अफवाहों को भी तो दरकिनार नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि भले ही हम समझते हैं कि ज्यादातर लोग उस पर एतबार नहीं करते हैं, लेकिन अगर एक हिस्सा भी प्रभावित होता है तो उसका मकसद तो पूरा हो गया। देखो, आज एक पीडीपी के नेता का, वरिष्ठ नेता का बयान आता है कि जब कर्फ्यू खुलेगा तो खून खराबा की आशंका है, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, ये हम लोगों के दिल में आग लगी हुई है। हो सकता है वो राजनीतिक बयान हो, हो सकता है वो ऐसे लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं जो बिना पढ़े लिखे हैं। लेकिन तीन दिन से मैं एनसीआर की उन यूनिवर्सिटीज में जा रहा हूं जहां कश्मीरी बच्चे पढ़ते हैं, आप सरकार उनको समझाने का प्रयास क्यों नहीं कर रही है? वो तो पढ़े लिखे लोग हैं। इस सरकार के कदम से वो भी सहमत नहीं है। आखिर में सरकार की यहाँ पॉलिसी कैसे खत्म हो रही है? संजय सिंह जी, आप ये बताइए कि सारे बच्चे वास्तव में ये कह रहे, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारे परवानों को बंधक बना दिया है। कल एक कश्मीरी बच्चे से मेरी बात हुई, वो ये कह रहा है कि हमको गुमराह किया गया, हमें पाकिस्तान के हमले का डर दिखाया गया। उस समय राज्यपाल ने सारे लोगों से ये कहा गया कि हम 370 और 35 को नहीं छुएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप बंदूक रखिए, राजभवन में आकर के खाना खाइए, मैं आपके लिए तैयार हूं। कि गवर्नर, कौन सी जनता गवर्नर के वक्तव्य पे विश्वास नहीं करेगी? दूसरा, आपने पाकिस्तान के 5 सैनिक मारे, आपने जो यात्रा कर रहे थे अमरनाथ की उनको बुला लिया, और ये जम्मू कश्मीर में अब्बा सरकार के द्वारा फैलाई गई थी कि हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई हमला हो सकता है, इसके आड़ में आपने 370-35 से खत्म की, ठीक है। अब उसकी आक्रामक नीति, जब कर्फ्यू आप हटाएंगे तब क्या निकल के आएगी? आप उन पढ़े लिखे जवानों को तो एक प्लेटफॉर्म पर लेके आइए। आप दिल्ली सरकार यहां बैठी हुई है, आसपास की सारी यूनिवर्सिटियां, आप उनको क्यों नहीं बुलाते? आप सरकार की तरफ से कमेटी क्यों नहीं गठित करते कि उन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पर लाए और समझाए कि सरकार के इस कदम से ये फायदा होने वाला है? एक चीज ये भी है कि अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि जो भी कश्मीरी छात्र हैं वो कॉलेज कैंपस से बाहर ना जाएं। एक तरफ संजय सिंह जी गले लगाने की बात कही जा रही है कि कश्मीरियों को देश दिल से गले लगाना चाहता है, दूसरी तरफ अगर यूनिवर्सिटी प्रबंधन की तरफ से इस तरह से कहा जाता है कि अगर आप बाहर जाएंगे तो हो सकता है कि कोई मतलब क्या निकाला जाए। देखिए, एहतियात बरतना सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप इससे अपने आप को दूर नहीं कर सकते हैं। जहां तक रही बात 70 साल से बच्चे जो पैदा हुए हैं ना, वो उनके मन में ऐसा लग रहा है कि 370 उनका एक लक्ष्मण रेखा है, उनको यही पाठ पढ़ाया गया है, और ये इतना बड़ा एक नीतिगत परिवर्तन है जिस परिवर्तन को एक्सेप्ट करने में पचाने में ये भी प्रजातंत्र भारत की भारतीय प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि कश्मीर का बच्चा उत्तर प्रदेश के अंदर है और उत्तर प्रदेश के अंदर आके ये कह रहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ और लोग उसको फिर भी प्यार कर रहे हैं। मेरी बात समझिए, ये भारतीय प्रजातंत्र में ही सिर्फ पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल नहीं है ये। लेकिन एहतियात के तौर पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जैसा अभी कौशिक साहब ने कहा कि सेना वहां पर जमा कर दिया गया, वहां जो लोग गए थे तीर्थ यात्रा पे उनको रोक दिया गया, उनको वापस बुला लिया गया, ये सारे एहतियाती कदम है। देखिए, सरकार एक आदमी के, जिस दिन इतना सरकार सेंसिटिव हो जाए कि एक आदमी के जिंदगी की भी जिम्मेदारी का वो समझने लग जाए कि मेरी जिम्मेदारी है कि इसकी जिंदगी ना जाए, वो समझिए सरकार जनता के प्रति बहुत ही सक्रिय है और एक सोच रखती है। तो उनका इलाज क्या है जो आज भी लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही उसके पीछे राजनीतिक मकसद हो, जैसा सुनील कौशिक भी कह रहे हैं कि पीडीपी नेता का जिक्र चाहे आप कर लीजिए, या फिर आप प्रत्यक्ष तरीके से 370 हटाने का विरोध करके जो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भैया आपके साथ तो अन्याय हो गया। जो अपनी रोटी
370 के नाम पर खाते थे, जो वहां की राजनीति 370 के नाम पे करते थे, आपने मुंह में हाथ डाल के निवाला छीन लिया, वो कैसा प्रतिक्रिया देगा आप इसका अंदाज लगाइए। और ये प्रतिक्रिया तब तक रहेगा जब तक कि वो ये नहीं समझ लेगा, वो ये मैसेज नहीं दे रहा है, वो मैसेज ये नहीं दे रहा है कि हमारे मुंह से निवाला छीन लिया गया, वो तो मैसेज ये दे रहा है कि आपके मुंह से निवाला छीन लिया गया। वो कैसे कहेगा, सुनिए, वो कैसे कहेगा कि हम इसका निवाला का कारण 370 था, वो नहीं कह सकता। तो यही तो बचाव की बात है, जी की एक बात से यही तो बचाव की बात है ना, यही तो चिंता व्यक्त की जा रही। एक बात से जरूर सहमत हूँ कि जो आंतरिक जहां जहां भी कश्मीर के बच्चे हैं, उस कश्मीर के बच्चों के बीच में कोई मैसेज जाए, डायलॉग जाए, डायलॉग हो, और डायलॉग के माध्यम से उनको डायलॉग के माध्यम से समझाने का प्रयास हो। लेकिन हमें जो लगता है, हमारी सरकार ने जो ये उसकी अपनी जो स्ट्रेटेजी जो मुझे समझ आ रही है कि डायलॉग भी करें और साथ ही साथ विकास की रफ्तार इतनी तेज कर दें कि उसका फायदा लोगों को दिखने लगे। नहीं, रफ्तार आप चाहे जितनी तेज कीजिएगा उसमें थोड़ा बहुत वक्त तो लगेगा, लेकिन जो एक डायलॉग की बात विपिन शर्मा जी कही जा रही है, उस डायलॉग से पहले अगर इस तरह के प्रिकॉशंस लेने की बात कही जाती है, जैसे एएमयू का भी जिक्र किया कि ये कह दिया कि भाई आप बाहर मत निकलिए, आपके साथ कोई भी घटना हो सकती है, तो ये एक डर और नहीं होगा, ये और दिलों में दूरी बढ़ाने का काम नहीं करेगा उन कश्मीर बच्चों के मन में? मैं बात इसमें क्लियर करता हूँ। देखिए, ऐसा है कि आप ये ना भूलें, आपने एएमयू की बात करी, साथ में जेएनयू भी जोड़ दीजिए आप, ठीक है जी, ताकि वो पूरा फिर जिसे कहते हैं व्हील विल कम द फुल सर्कल उसे। तो आप जब ये सारी चीजें जोड़ देंगे, और अभी मैं नाम नहीं लूंगा उस यूनिवर्सिटी का जहां पर एक नोएडा ग्रेटर नोएडा में एक तनाव की स्थिति होगी थी काफी ज्यादा, और उसमें कितना मामले ने तूल पकड़ लिया था और किस तरह से स्थिति बेकाबू होगी थी, और कितने वही फिर समुदाय वाली बात आ जाएगी आपस में इंटर। तो देखिए, तो इस अभी भी आप देख रहे हैं जब से ये 370 हटा है 35 से, और आपने देखा है कि क्यों सेवाएं बंद करी इंटरनेट की, लैंडलाइन, उसके पीछे कारण था कि व्हाट्सएप पे जिस तरह से मैसेजेस आज भी सर्कुलेट हो रहे हैं, अभी कुछ मैसेजेस मेरे पास आए, तो वो किस तरह से वो चीज कोई उससे शांति का आप शांति बहाल करेंगे? आप उससे तो सिचुएशन और बिगड़ेगी। आपके जो आप प्रयास आपके लगाए जा रहे हैं कि ताकि किसी तरह की इन्होंने एक सेक्शन 144 लगाई उस तरह से, तो हर एक चीज के पीछे कारण है। सरकार ही बेहतर समझती है, जो जिनका कार्यभार है वो समझते हैं कि इस समय क्या चीज की जरूरत है, और अगर ये करा गया है, क्योंकि आप देखिए व्हाट्सएप एक ऐसा माध्यम है आज की तारीख में कि प्रोवोकेशन हो जाता है, इमीडिएटली बात का बतंगड़ बन जाता है। जो जानकारियां आ रही है, ठीक है, एहतियात के तौर पर ये भी समझा जा सकता है, देखिए उत्तेजना किसी की भी, ये समझा जा सकता है कि एहतियात के तौर पर इस तरह की बात हुई है। मैं थोड़ा सा लेकिन आप जो नहीं, अपनी बात भी पूरी कर लीजिए, क्योंकि बीच में जहां पर थोड़ा सा हस्तक्षेप की जरूरत होगी वो तो करनी पड़ेगा। बिल्कुल, कि जिस तरह से अब जानकारी आ रही कि कुछ जगहों पर मोबाइल सेवाएं जम्मू कश्मीर में फिर से बहाल की जा सकती हैं, तो मान लीजिए कि अभी तक अगर इन सेवाओं को बाधित करके हाथ बांधे रखने की कोशिश भी की गई, तो इस बात की क्या गारंटी है कि इन सेवाओं की बहाली होने के बाद इसका मिसयूज नहीं किया जाएगा, लोगों को भड़काने की प्रक्रिया फिर नहीं होगी? बिल्कुल बढ़िया आपने पूछा। देखिए, कभी भी अगर एक मरीज अस्पताल में जाता है और उसका ऑपरेशन होता है, उसको अगर ऑपरेशन होता है तो थोड़े दिन उसको आईसीयू में रखता है देखते हुए कि उसकी क्या हालत है, 4-5 दिन, तो ये उसी तरह का आईसीयू है। कि अगर सरकार ने और फौज ने उस तरह से ये कदम सोच के उठाया कि थोड़ा टाइम हम देखते हैं, वेट एंड वॉच जिसको कहते हैं पॉलिसी, तो उसमें क्या एतराज है? और उसमें कि ताकि कोई मामला अगर बेकाबू हो जाता, स्थिति ऐसे नियंत्रण के बाहर हो जाती, उसका खामियाजा ज्यादा होता, तो उसमें भी सरकार की निंदा होती। तो सरकार सारे पहलू देख के करती है। ये कहना कि आप कि अगर जब ये इसको लिफ्ट कर लेंगे सारी जो प्रतिबंध है जिन्होंने लगा रखे हैं, तो वो तो देखिए इस स्थिति में कम से कम आशावादी होना पड़ेगा। इसमें पहले नोटबंदी के समय क्या था, अटकलें लगाई जा रही थी कि दंगे फसाद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नोटबंदी बोलना चाहूंगा, नोटबंदी देखिए अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी राशिद अली के बारे में, बोला कि उसको हिरासत में लिया गया उसी टेरर फंडिंग के लिए। तो कश्मीर का इतिहास क्या रहा है? क्रॉस बॉर्डर वायलेशंस हुए हैं, एलओसी के वायलेशंस हुए हैं, और पाकिस्तान ने जो भी बात करी है कि अपने वायदे करके उससे पीछे हट गए थे। अभी टेरर फंडिंग हमारी चिंता इस बात को लेकर नहीं है, इस बात को लेकर नहीं है कि अलगाववादियों के साथ आप क्या कर रहे हैं, या फिर जिनके ऊपर शक है कि ये माहौल को बिगाड़ सकते हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, वो कीजिए और सख्त कार्रवाई कीजिए। लेकिन हमारी चिंता सिर्फ इस बात को लेकर डॉक्टर सुनील कौशिक है कि वो लोग जिनको भड़का कर माहौल को खराब करने की कोशिशें की जा सकती हैं, वो लोग इससे बचें, इसको लेकर हमारी चिंता है। नहीं नहीं देखो, अच्छा सारे छात्रों का ये कहना था जो बात हुई कि हमने गवर्नर की बातों पे भरोसा किया,
जो हमारी आशंकाएं वहां हुट रही थी गवर्नर साहब के बयान आने के बाद हम लोग शांत हुए और हमने भरोसा किया। अब हम भारत सरकार की बातों पर कैसे भरोसा कर लें? उन्होंने कहा कि दोबारा हम पुनः राज्य का दर्जा दे देंगे। दूसरी बात, कल भी डिबेट में ये उठ के आई थी कि सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी होगी तो उनको किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया जाएगा, इस चीज का हम कैसे भरोसा करें। दूसरा, वहां के उद्योगपति जो वहां आएंगे वो क्या वास्तव में वहां के लोगों को ही अपने साथ काम अपनी फैक्ट्री में कराएंगे या अपने राज्यों से लेकर के आएंगे? क्योंकि इस फैक्ट्री ओनर जब वहां जाएगा तो कहेगा कि ये एनओसी कौन देगा कि ये लोग आतंकवादी नहीं है या आतंकवादी संगठनों से इनका मिलना जुलना नहीं है। तो इस तरीके की कुछ दिक्कतें वहां आएंगी, वो जम्मू कश्मीर के छात्र कह रहे हैं। और वो ऐसा तबका है मेरे हिसाब से एनसीआर में लगभग 5,000 से ऊपर के छात्र ऐसे होंगे जो वहां के विभिन्न जिलों से आते हैं। आप उनको वो उनको आप पढ़े लिखे लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अब वो जो लोग जो अंगूठा बांधे हैं, जो इशारों पर पत्थरबाजी करते हैं, वो इशारों पर अपने शरीर पर बम बांध के कूद जाते हैं, आप उनकी तो बात मत कीजिए, आप इनकी बात तो कीजिए। आप ये बताइए, एक वहां का युवा आईएएस से नौकरी छोड़ करके वहां एक राजनीतिक संगठन बनाता है और वहां के हितों के रक्षा के लिए बात करता है, मैं वही कह रहा हूं, तो वो कैसे उसकी जरूरत पड़ी? दिक्कत ये है कि आपने जो कुछ किया बहुत अच्छा है, बहुत प्रशंसनीय है, इसकी इतनी प्रशंसा की जाए वो कम है। बहुत अच्छा कदम आपने उठाया और सारे विश्व के बड़े बड़े देश आपके साथ हैं, लेकिन मुझे अंदेशा इस बात का है कि धोखे के साथ आपने उनको 144 करपू में बंद किया उस समय, पाकिस्तान का डर दिखा के कहीं हमला ना हो जाए। उसके लिए सरकार को यह रणनीति तय करनी पड़ेगी कि जब वो कर्फ्यू से बाहर आएंगे तब उनका रवैया कैसे रहेगा। क्या छोटे छोटे क्षेत्रों में कर्फ्यू खोल करके आप डील देने का प्रयास करके देखेंगे उसको? जैसे कल नवाज पढ़ने की बात आई, वो नवाज कहां पड़ी गई? छोटे छोटे गांव में, और वहां छोटे छोटे गांव में नवाज पड़ी गई जहां वहां के पुलिस ने फौज ने सारे लोगों की तलाशी ली। तलाशी लेने के बाद मस्जिद के स्थान पर जाने दिया, चारों तरफ से आर्मी ने उसको घेरा और उसका एक वीडियो बनाया गया कि हम मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति को मस्जिद में भेजा गया। तो ये स्थिति कब तक चलेगी आखिर में? हो सकता है 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, हो सकता है और भी ज्यादा समय लग जाए। देखिए, आज तक हम चर्चा बहुत बुद्धिजीवी है, लोग बड़े अच्छी बातें रखते हैं, बहुत बढ़िया। मेरा एक ही सवाल है कि हम लोग क्यों नहीं खुल के बात करते आईसिस के बारे में, रेडिकलाइजेशन के बारे में, कि ये कितना बड़ा एक इतना बड़ा इसमें चिंता का विषय है। आप ये क्यों नहीं देखते कि एक कश्मीरी यूथ, हम लोग उसी की चर्चा कर रहे हैं ना सारी, देखिए चर्चा रिवॉल्व उन्हीं पे कर रही है, घूम फिर के उन्हीं पे आ रही है कि एक आम कश्मीरी का कॉन्फिडेंस कैसे जीता जाए। आप उसको नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? अगर प्रधानमंत्री 1% बहुमत लेके आए हैं अपने दूसरे कार्यकाल में तो कोई तो कारण होगा। पहले वो बात करते थे सबका साथ सबका विकास, अब जब से जीते हैं तो उन्होंने एक और चीज उसमें इजाफा कर दिया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो विश्वास की बात तो देखिए है ही, उसमें समय लगेगा। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। आप हर चीज समझेगी एक जादू की छड़ी है, तो वो फेज टू में आप डेवलपमेंट देखेंगे। इनकी बात सही है, कौशिक जी से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं जब वो बोलते हैं कि क्या भरोसा है कि कोई उद्योगपति आके वहां पर एक नया इंडस्ट्री लगाते हैं तो वो उन्हीं को रखेंगे, क्या उनको एतराज नहीं होगा? देखिए, स्क्रीनिंग तो सबकी होती है। आप वैसे आप हम लोग सारे अमेरिका के पीछे जाते हैं, लैंड ऑफ दी बिग एप्पल, और वो बात करते हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, तो आप वहां नहीं देखते कि वहां पर कितने कठोर नियम है उनके, आपके कितने स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हैं, पैट डाउन कराते हैं, पूरी तरह आपकी चेकिंग करते हैं, एयरपोर्ट्स पे फ्रिस्किंग करते हैं, तब हमें एतराज नहीं होता, तब भी हम अमेरिका के पीछे भागते हैं। यहां पर आदतें हमारी एक माइंडसेट बन गया है, आदतें बिगाड़ के रखी गई हैं, आदतें बिगाड़ के रखी गई हैं। अब तो देखिए, ये इस मामले में आप जिस तरह से आपका जो एक शंका जताई जा रही है कि क्या होगा जब ये सारे नियम ये धाराएं हटा दी जाएंगी, वो ठीक है, तो फौज भी अपनी पहली नजर लगा के बैठी हुई है। हाँ। और ये नहीं है कि फौज के बलबूते उन्होंने कराए, नहीं, यही तो जानना चाह रहे हैं ना संजय सिंह जी, यही तो जानना चाह रहे हैं कि ऐसे लोग भी रडार पे हैं। ठीक, आपने वो वीडियो की क्यों नहीं बात करी? मैं बस एक बात जोड़ूंगा, उन वीडियो की आप क्यों नहीं बात करते जो वायरल हुए कि ये फौज चली जा रही है, इनका काफिला चली जा रहा है और पत्थरबाज मारी जा रहे पत्थर, ये लोग खा रहे पत्थर। उस पर खूब चर्चा हुई है, उस पर हम लोगों ने खूब चर्चा की है, ये नहीं है। कुल मिला के मोटिव यही है कि अगर वहां पर शांति बहाली की बात कही जा रही है, जो प्रयास भी किए जा रहे हैं, सवाल सिर्फ इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए। संजय सिंह जी, जो आशंकाएं हैं, आशंकाओं को भी समझना चाहिए, उसका आकलन करना चाहिए और फिर निर्धारण करना चाहिए कि स्थिति कहां तक जा सकती है और अगर ये स्थिति आगे तक जाती है तो उसको कैसे रोका जाएगा। ये प्लान तो होना ही चाहिए ना दिमाग में। देखिए, संजय सिंह, आपको बता दूं, सरकार की अपनी एक पूरी मॉनिटरिंग टीम है। अब मॉनिटरिंग टीम जो हम आप डिबेट कर रहे हैं ना, उसको भी मॉनिटर कर रही है, वहां से भी मैसेज जा रहा है। जैसे इन्होंने कश्मीरी बच्चे की बात बताई,
आपको मैं बता नहीं सकता किस लेवल का माइन्यूट स्ट्रेटजी प्रोग्राम बना है इस कश्मीर इशू को रिजोल्व करने के लिए। सरकार किस हद तक जा सकती है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर आज मान लीजिए कौशिक जी का ये बात डिबेट के माध्यम से सरकार तक पहुंच गया कि जो आसपास के कश्मीरी बच्चे हैं इनके अंदर जो है सो एक ब्रेन थेरेपी वर्क होनी चाहिए, अगर वो मैसेज पहुंच गया तो वो दो दिन में इंप्लीमेंट हो जाएगा। सरकार इस लेवल पे सेंसिटिव है, सरकार इस लेवल पे सेंसिटिव है। मैं आपको मतलब ये बात आपके चैनल पे बैठ के बोल रहा हूँ कि यहाँ तक का मॉनिटरिंग चल रहा है। रही बात अभी जैसे मैंने पहली बार भी पिछली बार भी आपको बताया था कश्मीर में माइंड से बीमार 370 का भूत, वहां के जमीन पे 370 का भूत, जब उसको हटाने का साहसिक निर्णय हो चुका है, ले लिया गया, हट गया, तो उसकी कुछ चीजें निकल कर आएंगी। ये ठीक कह रहे हैं कि लोग ये सोचेंगे कि क्या हमें बिजनेस में धोखा तो नहीं मिलेगा, क्या हमें सब्सिडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सवाल आएंगे। और एक एक का सवाल वक्त के हिसाब से हमारी सरकार वहां देने को तैयार है, लोगों का विश्वास जीतने को तैयार है। विकास और विश्वास, एक याद दिला दे रहा हूँ, विकास और विश्वास दोनों साथ चल रहे हैं। जब पंजाब में आतंकवाद था, इंदिरा गांधी जी ने इसी दृढ़ता के साथ एक्शन लिया, सारे कर्फ्यू लगाए गए, सारे लोगों को बंधक बना करके सिस्टम चेक किया। जब कर्फ्यू के बाद लोग निकल के आए, जानते हैं कितनी हत्याएं हुई, कितने दंगे हुए, फिर भी उसको कंट्रोल किया। कहा क्या गया था? कंट्रोल किया, मैं वही कह रहा हूं। लेकिन इसी दृढ़ता के वो, लेकिन वो हमारे देश का क्या कहते थे लोग, कश्मीर में और पंजाब में क्या अंतर है, वो हमारे देश के बीचों बीच स्थित था, वो हमारे देश का आंतरिक मामला था, वो बिल्कुल बॉर्डर पे है। आप बॉर्डर देखिए, चाइना भी सतर्क है, अफगानिस्तान तालिबान ने कल तालिबान ने क्या कहा है, और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पे हम लोग बड़ा हंस रहे हैं इस समय कि अमेरिका ने ये कह दिया, चाइना ने ये कह दिया, उनकी पॉलिसी क्या, चाइना इतनी मर्जी से इतने प्यार से मानने वाला है, इसका भारत सरकार ने किस तरीके से बात की होगी। वन बेल्ट वन योजना में आपने इस बार मीटिंग हुई, विरोध तक आपने नहीं किया। इस जम्मू कश्मीर में 370-35 हटाने पड़ रहे हैं, ये बाद में निकल के आएगा कि भारत सरकार ने उनसे क्या वायदा किया है। दूसरी बात आप बताइए, तालिबान को लेकर के जब अमेरिका हटाना चाह रहा है, तालिबान ने कल पाकिस्तान को फटकारा है और कहा है कि अफगानिस्तान की तुलना जम्मू कश्मीर से आप कर रहे हैं, वो तालिबान के साथ जिस तालिबान को उसने आतंकवादी संगठन घोषित किया, और 18 साल बाद वही अमेरिका आज उसके साथ है, वही पॉलिसी है। आप रसिया को तो कह सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन अमेरिका और चाइना की बातों पे बिल्कुल भरोसा करने की बात नहीं है। आज बताइए, डायनामाइट जो बिछाए गए हैं बॉर्डर पे, वो अमेरिका के दिए गए हैं। आज की डेट में भी अमेरिका हमारे साथ है। आपने क्यों, भारत सरकार ने ये नहीं कहा कि जो बॉर्डर पे डायनामाइट मिले हैं वो अमेरिका के निर्मित है, अमेरिका ने कैसे उपलब्ध करा दिया? वो भी कूटनीति, मैं वही कह रहा हूँ, उनके साथ व्यापार संबंध है, वो डावाडोल है, लेकिन व्यापार में डावाडोल व्यापार है, लेकिन उसमें क्या ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, क्योंकि हम ये कह जरूर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अब रौनक लौटने लगी है, लेकिन बहुत एहतियात बरते जाने की जरूरत है, क्योंकि खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान से है, इस बात को लेकर कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की, साजिशों को अंजाम देने के प्रयास कर रहा है, क्योंकि हर जगह से मुंह की खाने के बाद जिस तरह से अब सूचनाएं सामने आ रही हैं, इनपुट्स मिल रहे हैं कि अब आतंकी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में पाकिस्तान जरूर है, लेकिन चिंता इस बात को लेकर जाहिर की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में आम लोगों पर विश्वास की बहाली कितनी तेजी के साथ हो। हालांकि कुछ जगहों पर अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं, हालांकि छिटपुट जगहों पर कुछ विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आई हैं, लेकिन विदेशी मीडिया का इस तरह से प्रोपेगेंडा करना, स्थिति उतनी आसान नहीं है जितनी समझने की कोशिश की जा रही है। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और शांति कायम करने की कोशिशें भी लगातार की जा रही है, और राज्यपाल की तरफ से यह भी कहा गया कि त्यौहार ठीक ढंग से लोग मना पाएं, इस बात को लेकर लगातार प्रयास तेज किए जा रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मैं संजय सिंह जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो जिक्र हम कर रहे थे कि मुंह की खाने के बाद अब जिस तरह से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, शायद उसको भी अब इस बात का एहसास है कि उसके आतंकियों के अलावा उस पर कोई भरोसा नहीं है, तो अब उसको लेकर सरकार कितनी सजग है और कितनी सजगता बरते जाने की जरूरत है? देखिए, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का पूरा इकोनॉमी, जो कश्मीर बॉर्डर एरिया साइड का जो पाकिस्तान है, उसका पूरा का पूरा इकोनॉमी इंडिया पे डिपेंडेंट है।
80% एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हिंदुस्तान के अंदर करता है, वहां का जो सिल्क है, वहां की जो काजू है, वहां का जो अखरोट है, जो वहां का मुख्य व्यापार है, वहां का कोई एक तेल भी है, वहां का बहुत बड़ा व्यापार का वो साधक है वो। ये तमाम चीजों को क्या किया है, पाकिस्तान ने रोक दिया है, वहां के किसानों का व्यापार बंद हो गया है। जो ट्रक इंडिया के अंदर आया करते थे, आप अंदाज लगा लीजिए कि 800 से 900 ट्रक प्रत्येक दिन आते थे, आप इससे अंदाज लगा लीजिए। अच्छा, मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही। एक मिनट सर, एक मिनट, हम बात कर रहे हैं बालाकोट के बाद, बालाकोट के बाद जब भारत ने सब कुछ बंद कर दिया था, ये कौन से ट्रक आ जा रहे थे, हमारी समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं, भारत सरकार ने खुल गया था ना, कब खुला, उसके बाद खुल गया था। आप सुन लीजिए, सुन तो लो, कुछ दिन रोका गया था, उसके बाद व्यापार चालू कर दिया था। एक तो है मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला सर, एक मिनट, वो तो वापस ले लिया था। एक मिनट, रोक लगाई थी उन चीजों में, उसके बाद चालू हो गया था। टोटल बिजनेस पाकिस्तान ने अपना रोका है आज के डेट में। पहले जो वो मिलिटेंट को 20% अपने इकोनॉमी का हिस्सा 10% दिया करता था उसके डेवलपमेंट के ऊपर, अब वो दिन आते देर नहीं, मिलिटेंट अपना हक तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन बाकी विकास पाकिस्तान को मुंह देखना पड़ेगा। और उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। पाकिस्तान से संबंधों की बात नहीं कर रहे हैं, उनसे व्यापार की बात नहीं कर रहे हैं कि हमें उनके साथ व्यापार करने से कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है हमारी सेहत पर। ये बात निश्चित है कि पाकिस्तान को इसका खामियाजा मिलना भी शुरू हो चुका है, जिस तरह से वहां पर कीमतें एक बार फिर उछाल ले रही हैं। लेकिन आप ही कह रहे थे, जो आप ही कह रहे थे कि टमाटर 30 रुपए किलो हो गया। ओके की बात करें, ये खुफिया इनपुट तो हमारी एजेंसियों का है ना। उन्होंने ये जानकारी दी कि 150 आतंकी मौजूद है पीओके में, जो सिर्फ यही साजिश कर रहे हैं कि किस तरह से एक बड़े हमले को अंजाम दें। वो तो बॉम्बर बनकर सुसाइड करने को भी तैयार। और आज भी जम्मू क्षेत्र में गोलाबारी की पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान का मुख्य तंत्र ही था आतंकवाद तैयार करना, पैड तैयार करना, उसको दूसरे कंट्री खास करके हिंदुस्तान में उसका इस्तेमाल करना। नेचर कैरेक्टर सिग्नेचर बदलता नहीं है। पाकिस्तान ना अपना नेचर बदलेगा, ना कैरेक्टर बदलेगा, ना सिग्नेचर बदलेगा। अगर 800 आदमी उसने तैयार किए हैं तो भारत सरकार भी तैयार बैठी हुई है। 800 के 800 मारे जाएंगे, उसके अलावे भी मारे जाएंगे 100। यही अभी एक उदाहरण मिल चुका है 2-3 महीने में, 6 महीने में। ठीक है, लेकिन विपिन शर्मा जी, हम ये कह जरूर रहे हैं कि चाइना ने भी कुछ इस तरह से विरोध नहीं किया है, हालांकि चाइना की तरफ से लद्दाख को लेकर जरूर कहा गया है, लेकिन जो बैक बाइटिंग होती है, जो पीठ पीछे से वार होते हैं, कैसे भरोसा कर पाएंगे कि पाकिस्तान को वो हेल्प नहीं करेगा? देखिए, बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा, और पूरी इस चर्चा में इसका अगर जिक्र ना करें तो चर्चा अधूरी रह जाएगी। देखिए, इतने सालों से क्या चलता आया है, दो लोगों के तालमेल, दो एंटिटीज के तालमेल का जिक्र करना बहुत अहम बन जाता है कि एक कुछ एनजीओस, मैं सब एनजीओस की बात नहीं कर रहा, यू कांट पेंट एवरीवन विद द सेम ब्रश, कुछ एनजीओस जिनको बाहर से फंडिंग मिलती है, फॉरेन फंडिंग, और वो हिंदुस्तान के खिलाफ काम करते हैं ताकि दुष्प्रचार, जिसका आपने जिक्र करा शुरुआत में, तो ये जिस तरह से ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, कई बारी तस्वीरें क्यों नहीं दिखाई जाती, बोलते हैं विचलित कर देंगी या आपस में कुछ ऐसे अशांति का माहौल क्रिएट कर देंगी, तो इसी तरह से ये कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है। जिस तरह से ट्विटर का चर्चा चली कि किस तरह से फेक वीडियोस आए और वो घाटी में कुछ ऐसी चाहते हैं कि ऐसे अशांति का माहौल बने कि हिंसा भड़के, लोगों के भावनाओं को भड़काने का, तो ये सालों से परंपरा चलती आई है। लेकिन आप फर्क देखिए प्रधानमंत्री मोदी में और प्रधानमंत्री इमरान खान में, जमीन आसमान का फर्क है। इमरान खान बात करता है, बोलता है मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, और यहां पर प्रधानमंत्री ने नया कश्मीर बना दिया, क्योंकि उसने करके दिखाया, प्रधानमंत्री मोदी ने करके दिखाया। अगर ये बातें करते जिस तरह सरकार के कदम पर सवाल नहीं है, सालों से सरकार के कदम पर सवाल नहीं है ना शर्मा जी? शर्मा जी, सवाल इस बात को लेकर है कि उस पाकिस्तान की करतूतों को तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जब वहां का प्रधानमंत्री ये कह दे कि भारत में पुलवामा जैसे अटैक फिर हो सकते हैं और उसका ब्लेम हमें ना दिया जाए, और ये तो साफ है कि जब वहां की सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप 1,00,000 आतंकी भेज दीजिए, यानी जब खुले तौर पर ये कहा जा रहा है कि आपकी जो सेना है वो आपके लिए तो आतंकी है ना, जाइए आतंक फैलाइए। आप जितनी भी ये गीदड़ धमकी है, जिस तरह से पाकिस्तान ने शुरुआत में कहा कि मैं यूनाइटेड नेशंस जाएंगे हम लोग, वो सब धरी की धरी रहेगी, वहां से समर्थन नहीं मिला। इधर से फ्रांस का आपने देख लिया रवैया, आपने चीन का देख लिया, आपने रूस का देख लिया, तो इस तरह से आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब समझ गए हैं कि ये मुद्दा जो है बायलैटरल मुद्दा है, और इसमें दखल अंदाजी किसी की बनती नहीं है, क्योंकि जब लिव एंड लेट लिव
पॉलिसी है देखिए, तो आप ये देख रहे हैं। और हमारी हिंदुस्तान की फौज अपने आप में इतनी सशक्त है, इतनी सक्षम है कि वो नाको चने चबवा देगी, दिन में तारे दिखा देगी। और ये सेना पर, हमें अपनी सेना पर गर्व है, पूरा भरोसा है, और ये दुनिया भी भारत की सेना की ताकत को पहचानती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन नापाक हरकतों की लगाई गई है जो पुलवामा जैसे अटैक को अंजाम दे जाते हैं, कि उसके लिए क्या कीजिएगा। वो तो देखिए इंटेलिजेंस में पुलवामा हमले के बाद आपने बालाकोट किया, उसके बावजूद भी 400 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ, लगातार हो रहा है कई विस्फोट के। तो आपने भारत सरकार कह रही है कि नहीं पाकिस्तान दबाव में कहा, इतनी घटना के बावजूद भी आज श्रीनगर बॉर्डर पे विस्फोट हुए हैं, कहां पाकिस्तान है? तो वो कहां गए वकालत करने वाले? वो जो डायनेस्टिक थे, जो कश्मीर के डायनेस्टिक फैमिलीज हैं, जो हमेशा बोलते हैं, धमकियां देते आए हैं, हटा के दिखाइए, अंजाम देखिए कैसा होगा। इस समय भारतीय सेना अलर्ट पे है, और अलर्ट के बावजूद भी ऐसी दुर्घटनाएं छोटी छोटी पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, तो कैसे हो रही है? अलर्ट पे सर सेना ना हो तो अलग बात है, इस समय अलर्ट पे है और आकर के आपके बॉर्डर पे विस्फोट कर जाए और आराम से चले जाएं, क्या दिक्कत है? आपने आज 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 श्रीनगर पे विस्फोट हुआ, आपने तत्काल क्यों नहीं अंदर घुस के मारा? दूसरी बात, अब पाकिस्तान जो, 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 जो बात सही है। दूसरी बात सुन लीजिए, खुफिया विभाग ने यह कहा कि 150 से 200 आतंकवादी बॉर्डर पे तैयार है आने के लिए। दूसरा बात, कल पाकिस्तान का बयान आप देखिए, पाकिस्तान ने स्पष्ट तौर से विश्व के समुदाय को कहा कि हिंदुस्तान हमारे साथ युद्ध करना चाहता है और उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर थोपना चाहता है। यदि उन 150 आतंकवादियों को अंदर से घुस के मारने का प्रयास हुआ किसी भी तरीके से, तो आप निश्चय समझिए युद्ध होगा, और ये पाकिस्तान कहेगा कि हिंदुस्तान की से रणनीति थी, आतंकवादियों की आड़ में हम पे हमला किया गया। देखिए खुफिया एजेंसी जब काम करती है वो बता के नहीं करती, उसका ढिंढोरा नहीं पीटती। नहीं, ढिंढोरा नहीं, करने के बाद की बात कर रहा हूं, करने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, करने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, करने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। एक मिनट अपनी बात रखता हूं, तो आप बोलिए। बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह ठीक है। देखिए खुफिया एजेंसी जब काम करती है वो दिखा के नहीं करती, उसका ढिंडोरा कभी नहीं पीटती, उसका प्रचार नहीं करती, वो अपने आप करती है। यहाँ तो ये तो हमारा वो देश है कि जहां पर जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके बाद उसके प्रूफ मांगे गए, सबूत मांगे गए। कौन सा देश है बताइए आप मेरे को विश्व में जहां पर सबूत मांगे जाते हैं, जहां पर सेना के मुखिया को सड़क का गुंडा बोलते हैं? कितने शर्म की बात है। और जो फौज है वो मनोबल पे काम करती है, मोरल पे काम करती है, उसको क्यों बोलते हैं हाउस द जोश? शर्मा जी, मामलों में शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, इस पर फिर सरकार को पीठ ठोकनी चाहिए ना, कि अगर उनकी मौजूदगी में लोग इस तरह से धमकाते हैं, देश विरोधी गतिविधियां करते हैं जैसा आप कह रहे हैं, उनको वो खुले कैसे घूम रहे हैं? जेल में भेजना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है ये। सरकार क्या कर रही है? सरकार के रहते हुए सब कुछ हुआ। अगर अभी भी प्रयास हो रहे हैं, अभी भी वहां पर जाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, आप खुलकर इस बात को कह रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है? चूड़ियां पहने? देखिए चूक अगर हो रही है तो वो तो उनकी लैप्सिस है, उनमें खामी है इंटेलिजेंस में, उनको खबर नहीं, लेकिन वो तो अपनी पहली नजर वही आशंका जाहिर की जा रही है। बात कर रहा हूं, वही आशंका जाहिर की जा रही है ना। उन्होंने संविधान को फाड़ा, क्यों मुकदमा दर्ज नहीं हुआ अभी तक? ठीक है, सेना अध्यक्ष को कुछ कहा गया गुरे शब्दों में, क्यों FIR नहीं हुई? देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं लगा गया? और दूसरी बात, चलिए आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। जेएनयू में टुकड़े टुकड़े आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, वो आज भी जमानत से बाहर हैं। कितने लोग सजा नहीं दे रहा भाई? जब उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता था तो ये सारी सेक्युलर ब्रेड खड़ी हो जाती थी। हिटलर की तरह काम कर रहे हैं, सरकार दबाव में आती है। नहीं नहीं, सरकार तो दबाव में आती नहीं, सरकार दबाव में आती है, सरकार हटता ही नहीं। चले कार्यक्रम के समापन का भी हो रहा है, लेकिन एक एक जो बात हो रही है कि आशंकाओं के मद्देनजर कि किस तरह की चुनौतियां हो सकती हैं, क्योंकि सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान जैसा पड़ोसी जिस देश के आसपास हो तो वो किस तरह की हरकतों को अंजाम दे सकता है, ये छुपा नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है। संजय जी, हम एहतियात की बात कर रहे हैं कि इस तरह की कोई भी घटना ना हो ताकि माहौल बिगड़े, सरकार को तैयार रहने की जरूरत है, और हम तैयारियों की बात कर रहे हैं कि क्या वो तैयारी है भी पुख्ता? सरकार पूर्ण रूपेण तैयार है, अपने आंतरिक सुरक्षा के ऊपर कंसंट्रेट किया हुआ है। पाकिस्तान के साथ हम तब भिड़ेंगे जब हम LOC को छेड़छाड़ करेंगे, POK को अपना कहना शुरू करेंगे, तो हमारा पाकिस्तान के साथ होगा। आज हम पूरी सरकार जो है आंतरिक सुरक्षा के ऊपर लगी हुई है, और जितनी आशंकाएं हो सकती है सरकार उसके लिए मुस्तैद है,
मोदी है तो मुमकिन है किसी को कहीं से किसी भी लेवल से घबराने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। डोभाल जी स्वयं उम्मीद इसी बात को डोभाल जी स्वयं सुनिए डोभाल जी मुमकिन है सुनिए डोभाल जी स्वयं कश्मीर के अंदर बैठे हुए हैं सामने आते हैं और हम जैसे कहीं ना कहीं मोदी है जो मुमकिन है ना उसमें पलीता लगाने का काम करते हैं। खट्टर साहब जैसे नेताओं को भी थोड़ा संयम बरतने की जरूरत है कि माहौल कंट्रोल में रहे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इस उम्मीद के साथ कि जम्मू कश्मीर में अब माहौल पटरी पर लौटता दिखाई दे रहा है। सरकार लगातार इस बात को लेकर प्रयास कर रही है लेकिन अभी भी कुछ ताकतें कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो देश के भीतर रहकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं और कोशिश आगे भी करती रहेंगी। उनसे भी सरकार को सचेत रहने की जरूरत है और ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कसा ही जाना चाहिए। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में आज के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी। धन्यवाद।